हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, चार्ट चेंज कर लेते हैं। यहां पे अप ट्रेंड है और यहां पे आप देख सकते हो, चार्ट खोलते ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई है। मैं यहाँ डाउन के लिए ट्रेड लूँगा और उसका कारण आप देख सकते हो, 400 के लेवल को टच करके पिछली कैंडल आके और ग्रीन ग्रीन कैंडल के विक के अंदर हुई है। और कैंडल रीडिंग जिसको आती होगी वो उसको पता होगा, देखो कितनी छोटी कैंडल है डोजी। तो ये देख के मैंने ये ट्रेड डाउन के लिए लिया है। ये श्योर शॉट है भाई, ये 100% विन होगा ये, क्योंकि पिछली कैंडल ने 400 राउंड नंबर को टच भी कर किया है और उसने गैप अप भी किया था और ग्रीन कैंडल के विक के अंदर ही उसने क्लोज किया। साफ साफ आप देख सकते हो, देखो यहाँ देख सकते हो आप। और ये कैंडल की वीकनेस होती है, अगर जो उसने गैप अप किया था तो उसको उस लेवल को क्रॉस करना चाहिए था और उस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाई, इसलिए ये रेड कैंडल बनी है। तो कई रीज़न होते हैं दोस्तों यहाँ पे ट्रेड लेने का। कैंडल रीडिंग, गैप अप किया तो उसने उसी लेवल पे आके क्लोज क्यों किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो एम पैटर्न बनने की तैयारी कर रहा है और लग रहा है बन भी जाएगा। मैं यहाँ आपके लिए लूँगा ट्रेड। उसका रीज़न ये है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने लगाया हुआ है उसको कैंडल ने ब्रेक किया है। अभी बायर कोशिश करेंगे इसको एक बार अंदर ले जाने की, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर ले जाके क्लोज करने की एक बार तो कोशिश करेंगे, उसके बाद कैंडल नीचे आती है। मैक्सिमम टाइम यही होता है, लेकिन मार्केट है, देख लेते हैं। ये देखो, ये जो ये एम का निकलाइन होता है, ये इसमें वीक नहीं है तो कॉमन लाइन बॉडी होती है, इसलिए मैंने बायर्स को एक बार तो कोशिश करना चाहिए था, लेकिन कैंडल एग्जॉस्ट हो गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इसने गैप अप किया, चार ट्रेड मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट है, अभी मैं कवर कर ले रहा हूँ। इसके नीचे अगर जो मुझे ट्रेड मिला तो मैं मल्टीपल जितना ले पाऊँगा ले लूँगा, मिल गया ट्रेड। चलो, मैं श्योर हूँ यहाँ 100% ये ग्रीन में क्लोज होगी, 101%। अभी देखते रहना आप। चार ट्रेड मेरा लॉस हुआ था, मैंने 12 ट्रेड एक एक डॉलर का ले लिया है। मैं यहाँ श्योर हूँ दोस्तों कि ये कैंडल ग्रीन में ही क्लोज होगी, चाहे डोजी बने कुछ भी हो, लेकिन ग्रीन में ही क्लोज होना है इसको। अभी देखते रहना आप। कुछ भी हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही उसे क्लोज करना है मार्केट को। अभी देखना आप, लास्ट टाइम पे जाके ऊपर जाए, लेकिन जाएगी उस लेवल के ऊपर ही, आप देख सकते हो। ये होता है नॉलेज दोस्तों, ये नॉलेज ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए समय और प्रैक्टिस और सीखना पड़ता है, तब जाके मिलता है। तो अगर जो आप भी सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आ जाओ, आने वाले समय में मैं लोगों को सिखाने वाला हूँ टाइम निकाल के। देखता हूँ, काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, सर मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, आपका कोर्स करना है। तो देखता हूँ, अभी तो टाइम नहीं है फ़िलहाल, 8-10 दिन तक मैं बिजी हूँ थोड़ा। यहाँ देख सकते हो आप, डाउन ट्रेंड है और मार्केट काफ़ी देर से डाउन ट्रेंड में है और मार्केट का टारगेट नीचे है। जहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया है वो है मार्केट का टारगेट, ये आप देख सकते हो। इसको मार्केट या तो टच करेगी या तो इसको ब्रेक करके डाउन जाएगी। तो देख लेते हैं, ये कैंडल जैसे क्लोज होगी मैं ओपन में ही ट्रेड लगा दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें विक भी है, ये मार्केट को टच करेगी। तो ये कैंडल का हुआ, मैं यहाँ पे 2-3 ट्रेड ले ले रहा हूँ एक एक डॉलर का, और मेरे हिसाब से मैं श्योर हूँ कि ये कैंडल उसको टच करेगी। मैक्सिमम टाइम कैंडल उसको टच करती है या ब्रेक करती है। आपने पिछले वीडियो में भी मेरा टारगेट ट्रेड देखा होगा, तो इसको बोलते हैं टारगेट ट्रेड या पेंडिंग ट्रेड। हाँ, इससे आप कुछ सीख सकते हो। फिलहाल देख लेते हैं, एक थोड़ा मेरी एंट्री थोड़ी गलत हो गई है, मुझे सेफ्टी मार्जिन से लेना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी मैंने देखा है प्रैक्टिस में कि ये डोजी भी बन जाती है। लेकिन देख लेते हैं, हो सकता है रेड डोजी बने तो विन हो जाए, अगर जो ग्रीन डोजी बन गई तो लॉस हो जाएगा। कोई बात नहीं, इसको हम अभी कवर कर लेंगे, अगर जो लॉस हो गया तो देख लेते हैं। 11-10 सेकेंड,
दोस्तों लास्ट टाइम पे मेरा ट्रेड लॉस हो गया लग रहा है, और मैं यहाँ पे $10 सेलेक्ट करके और थोड़ा ऊपर एंट्री मिलती तो अच्छा था, मैं इसी पे ले ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मार्केट उसको टच करेगी। लेकिन ये भी दिक्कत है कि 30 सेकंड के अंदर टच करके ऊपर भी जा सकती थी, लेकिन अभी तक टच नहीं किया। मैं श्योर हूँ वो कैंडल लास्ट में आके उस लेवल को टच करेगी या ब्रेक करेगी, 100% ये विन होगा दोस्तों, ये विन हो जाएगा, आप देखते रहना, ये विन हो जाएगा। 30 सेकंड से पहले तो उसने टच कर लिया है, लेकिन देख लेते हैं, मेरे हिसाब से फिर भी ब्रेक ही होना चाहिए, लेकिन थोड़ा दिक्कत है क्योंकि उसने 30 सेकंड से पहले टच कर लिया। दोस्तों ये बहुत सीक्रेट चीज़ होता है जो 30 सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी टारगेट है उसको ब्रेक करना या उसको वहाँ उस लेवल को कंप्लीट करना। तो 8, 7, 6, 5 देखो, मैंने बोला ना वो टारगेट कंप्लीट ही करेगा मार्केट या उसको ब्रेक करेगा। तो दोस्तों ये होता है नॉलेज, ये नॉलेज भाई ऐसे नहीं मिला है। तो अगर जो आपको भी इस तरह से सीखना है तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ और सब कुछ सिखा दूंगा मैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये होता है नॉलेज, बाकी बिना सीखे आप ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा, आप देख ही रहे हो। और फेक वीडियो देख देख के परेशान मत हो कि उसने $10 का ट्रेड ले लिया, उसने $50 का ले लिया, उसने $1,000 का ले लिया, उन सब पे मत जाओ, अपने नॉलेज पे जाओ, अपने नॉलेज को बढ़ाओ, ऐसे वीडियोज़ को देखो जिससे नॉलेज बढ़े। अभी एक लड़का है मेरा वीडियो देख देख के वो काफ़ी अच्छा विनिंग करने लगा है, उसको लेवल लगाना आ गया है, पेंडिंग टारगेट उसको पता चल गया है, और वो चार्ट को भी अब एनालाइज कर ले रहा है कि मार्केट किस तरफ जाएगी, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड या कौन सा पैटर्न भी उसको पता चल गया है। क्योंकि हर वीडियो में मैं देखो इतना अच्छा अच्छा नॉलेज आपको देता हूँ, जिस जिस जगह पर ट्रेड ले रहा हूँ, आप सीखना चाहो तो वो चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। फिलहाल देख लेते हैं कहीं कोई लेवल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मुझे लेवल मिल गया 500 के लेवल को टच करके बार बार मार्केट डाउन आ रही है, ये भी डाउन आएगी, लेकिन और डाउन आएगी तो मैं आपके लिए ट्रेड लूँगा क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप का लेवल है, आप देख सकते हो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे ये ओवरलैप का लेवल है, यहाँ पे इससे ऊपर ही मार्केट को क्लोज करना है हर हाल में। फिलहाल वो ओवरलैप ही नहीं है और बहुत सारी चीज़ें उसमें छिपी हुई हैं, मार्केट का जो कैंडल जहाँ से स्टार्ट होता है वो भी एक प्राइस, वो प्राइस एक लेवल होता है, तो वो भी कारण है और ओवरलैप का भी लेवल है, दो कारण है। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड लिए जा सकते थे, लेकिन बहुत सारा ट्रेड लेने पे अपना इमोशन पे जो हम कंट्रोल करते हैं वो नहीं रह जाता है, यानी फिर कहीं कोई लेवल दिखा तो फिर हम मल्टीपल ले लेंगे, अगर जो हम आदत अपना ख़राब कर लेंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करो, सेफ्टी से करो, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता, कितना भी नॉलेज हो जाए मार्केट कभी भी आपके लेवल को फ्लॉप कर सकती है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रहे, अगर जो ये चीज़ दिमाग में रहेगा तो आप लॉस कभी जीवन में कभी नहीं कर पाओगे, और अगर जो ये चीज़ें नहीं सीखी आपने तो फिर भाई लॉस ही करना है। फिलहाल देख लेते हैं और कहीं किसी चार्ट पे लेवल मिल रहा है तो वहाँ पे ट्रेड करेंगे, उसके बाद में काफ़ी ट्रेड विन हो गए हैं। अब वीडियो भी लंबा हो गया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। और कई लोग कैंडल रिएक्शन की बात करते हैं, वो मुझे कहीं दिख रहा है ना, तो मैं अभी ट्रेड लूँगा उस पर और उसको मैं दिखाऊँगा कि कैंडल रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। तो आप देख सकते हो 50% के लेवल को टच नहीं किया है, फिर भी मार्केट डाउन की तरफ आ रही है और एक वीक कैंडल है, तो मैं यहाँ पे डाउन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, एक ही ट्रेड लूँगा क्योंकि यहाँ पे लो नहीं लग रहा है और हाई बनते जा रहा है, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है और हाई लग रहा है, तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है अप की तरफ। फिलहाल मैंने डाउन के लिए ट्रेड लिया है पिछली वाली कैंडल को देखते हुए, वो काफ़ी वीक कैंडल है, और मुझे कहीं कैंडल रिएक्शन दिखता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कैंडल रिएक्शन इतना मायने नहीं रखता है, रखता है मैं ये नहीं कहूँगा, वो भी प्राइस एक्शन का एक पार्ट है, लेकिन आपको पैटर्न के ऊपर इतना बढ़िया मिल रहा है रिजल्ट, और चार्ट हायर हाई हायर लो पे इतना बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है आपको। लेकिन फिर भी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ कि कैंडल रिएक्शन की बात करते हैं, अभी मैं देख इस कैंडल का रिएक्शन मैं देख रहा हूँ, अभी
ये देखो अभी नीचे आ रहा है, प्राइस ऊपर चला गया। अब सिंपल मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पे वो जो रेड कैंडल है उसका प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, ग्रीन कैंडल के बॉडी पे, और यहाँ पे मैं डाउन के लिए ट्रेड ले ले रहा हूँ। क्लोजिंग कहाँ पे हुआ उसका, उसके नीचे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल आएगी, जाहिर सी बात है यहाँ पे रेड कैंडल आएगी, क्योंकि प्राइस एक्शन में तो यही दिख रहा है। अब सिंपल समझ लो कि बॉडी वो जो ओपन प्राइस हुआ, नीचे की तरफ कैंडल गई और फिर ऊपर आके उसने बीच उसमें क्लोजिंग दिया, यानी जिस प्राइस पे ओपन हुआ था उस प्राइस पे क्लोज, उसको क्रॉस करके क्लोज नहीं हो पाया, यानी उसके नीचे ही क्लोज हुआ। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक रेड कैंडल आएगी, इसलिए मैंने डाउन के लिए ट्रेड ले लिया है। सिंपल लॉजिक है, उसमें कोई बहुत दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और ये एक पार्टिकुलर लेवल पे देखा जाता है, हर कैंडल पे देखोगे तो फिर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको कैंडल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पेशली कैंडल रिएक्शन पे ट्रेड लेके आपको दिखा दूंगा, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट के बारे में उनको तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कैंडल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर एक लेवल के आसपास कहीं हमें देखना है, ना कि हर जगह पे देखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।